बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ नई चीज़ें आज मैंने अपने किचन में बनाया है। अरबी पराठा बेइंतहा मज़े का और अच्छा है और बहुत आसानी से बन जाता है। अरबी पराठा आपके पास चिकन हो, बीफ हो, किसी भी या मटन हो, उसका कीमा हो तो आप उससे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कीमा ना भी हो तो आप बोनलेस चिकन हो, बोनलेस चिकन के अलावा अगर आपके पास बोन वाला चिकन भी दोआ हो तो आप उसको बॉयल करके और उसके रेशे करके भी आराम से बना सकते हैं। बेइंतहा आसान और मज़े की रेसिपी है, क्योंकि आजकल तमाम बच्चे घरों में हैं, जिसकी वजह से बच्चे हर वक्त कोई ना कोई फरमाइश करते रहते हैं कि आज ये बनाएं, आज ये बनाएं। तो आप ये नई नई चीज़ें बनाएं, उनको खिलाएं, बेइंतहा मज़े की लगेगी उनको और वो बहुत शौक से खाएंगे। तो आज मैं आपको इसीलिए मैंने आपको ये बनाना सिखाया है और यकीनन आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती होंगी। और मेरी रेसिपियाँ अगर पसंद आती हों तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को और फैमिली फ्रेंड्स को मेरी रेसिपियों का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। और आइए अब देखते हैं कि हमने ये अरबी पराठा किस तरीके से बनाया और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो आइए चलें देखें हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। आइए देखें हमें अरबी पराठे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए मैंने हाफ के जी जो है चिकन का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। एक दरमियानी साइज़ की प्याज़ है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। एक टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हर्ब्स हैं ओरिगानो, थाइम और बेजल है, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला है और हरा धनिया पुदीना लिया है हमने हसब ज़रूरत, जितना आप चाहे ले लें। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप हरी प्याज भी ले सकते हैं। और एक टेबल स्पून मैंने जो लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और दो टेबल स्पून हम लेंगे इसमें ऑयल। एक टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को जो है हल्का सा बस फ्राई करेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, 2 से 5 मिनट तक बस फ्राई करेंगे इसको और उसके बाद इसमें हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। प्याज हमारी हल्की सी नरम हो गई है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको थोड़ा सा भूनेंगे। दो मिनट तक हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम ये कीमा। चिकन हल्का सा हो गया, उसमें सारी छोटी मिर्चें, छोटी काली मिर्चें, नमक, गरम मसाला और सारे हर्ब डाल के और तकरीबन आधी प्याली पानी डाल के इसको चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। आधी प्याली इसमें पानी डाल के और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे गलने तक, ताकि ये हमारा चिकन गल जाए, फिर हम इसकी जो है पराठे रखेंगे। बस आप उसको दरमियाना करके और ढक्कन ढक के उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। कीमे का तकरीबन सारा पानी खुश हो चुका है और कीमा हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। देखें बहुत अच्छा कलर आया है इसमें और ये तकरीबन पूरा कीमा गल चुका है। अब इसको थोड़े ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और आटे की डो उसी तरीके से गूनेंगे जिस तरीके से आप पराठों के लिए गूनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप आटे की डो गूनें और फिर उसके बाद हम इसके जो है अरबी पराठे बनाएंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे अभी और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक रोटी की तरह हमने बेल लिया है, ये हमारा मिक्सचर जो है ठंडा हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम इसमें बीच में रखेंगे, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। इस मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और ये हमने इतना सारा इसमें मिक्सचर रखा है और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर इसको इस तरीके से करेंगे, फिर इसको इधर से करेंगे और इसको थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से दब जाए और ये इसको उठा के इधर कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ से बस इतना करेंगे कि ये हमारा जो मिक्सचर है ये बाहर ना निकले चिकन का और ये हमारा जो है पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई लिए, उसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल दरमियाना रखेंगे। अब जो मैंने पराठे वाला मिक्सचर बनाया था उसका ये साइड जो हमने इस तरीके से फोल्ड किया था वो साइड हम इसका नीचे की तरफ रख देंगे और इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। और इसी तरीके से हम सारे पराठे बनाते हैं।
से 3 मिनट में हमारा जो है पराठा नीचे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको इसी तरीके से दरमियानी आँच पे फ्राई होने देंगे, ताकि ये दरमियानी आँच पे बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई हो जाएगा और कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं रहेगी।